आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज स्टार्ट। मे बी इट साउंड्स वेरी इजी फॉर यू बट बिलीव मी यू विल डेफिनेटली गेट सरप्राइज, यू विल डेफिनेटली गेट फ्लैबरगैस्टेड व्हेन यू कम टू नो इट्स यूज। आप जरूर हैरान हो जाओगे जब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्टार्ट एक वर्ब है और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है स्टार्टेड, एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्टार्टेड, एंड फोर्थ फॉर्म इज स्टार्टिंग, एंड इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय इधर बाय जेरंड फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म और बाय एन इन्फिनिटिव मींस 2+V1। आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आते हैं मींस V4 या इन्फिनिटिव मींस 2+V1। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम खाली जेरंड फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं मींस स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। और ये जो यहां पर सेंस प्रोड्यूस करता है वो है कोई काम शुरू करना या कोई काम स्टार्ट करना। आप कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ही उसको पता चला कि वो अब नहीं रहा उसने रोना स्टार्ट किया। जैसे उसको पता चला कि वो अब नहीं रहा उसने रोना स्टार्ट किया मींस कोई काम करना स्टार्ट किया। तो इन्हीं एक्शंस को दिखाने के लिए हम स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह बोलेंगे, जैसे उसको पता चला द मोमेंट। जैसे ही, इसके लिए हम एक कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि है द मोमेंट। ठीक है, द मोमेंट शी केम टू नो, उसको पता चला। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। अभी पास्ट में है इसलिए हमने यहां पर बोला केम टू नो। द मोमेंट शी केम टू नो दैट ही इज नो मोर, कि वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, उसने रोना स्टार्ट किया। She started crying. रोनी को हम बोलते हैं cry, लेकिन मैंने आपको बोला था कि start के बाद हमेशा ing form में infinitive, लेकिन यहां पर हम खाली ing form के बारे में बात करने वाले हैं। तो she started crying, उसने रोना start किया means कोई काम करना start किया। तो इन्हीं actions को दिखाने के लिए हम start plus ing form का इस्तेमाल करते हैं। या जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा उसने भागना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा उसने भागना स्टार्ट किया मींस कोई काम करना स्टार्ट किया, शुरू किया। तो यहां पर स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह बोलेंगे द मोमेंट। ठीक है, जैसे द मोमेंट शी सा हिम, उस लड़की को, उस लड़की ने उसको देखा। द मोमेंट शी सा हिम She started running away. ठीक है, She started, यहां पर एक पास में है इसलिए यहां पर हमने V2 इस्तेमाल किया जो कि started. She started running, दौड़ने, दौड़ने को हम बोलते हैं run, लेकिन यहां पर ing form में आएगा। She started running, दूर, away. She started running away. जैसे ही लोगों ने चोर को देखा उन्होंने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। जैसे ही लोगों ने चोर को देखा उन्होंने उस चोर के पीछे भागना स्टार्ट किया। तो इस तरह बोलेंगे द मोमेंट पीपल सॉ द थीफ They started running after him. Run after का मतलब होता है पीछे दौड़ना। They started, उसके बाद ing form. They started running after him. उन्होंने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। या जब बेगर ने हमारे हाथों में पैसे देखे, जब बेगर ने हमारे हाथों में पैसे नोट्स किए उसने हमारे सामने भीख मांगना स्टार्ट किया। तो इस तरह बोलेंगे When the beggar noticed money in our hands, he started begging in front of us. उसने भीख मांगना स्टार्ट किया। स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। ही स्टार्टेड पास्ट में, स्टार्ट यहां पर सेकंड फॉर्म में आया। ही स्टार्टेड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उसने हमारे सामने भीख मांगना शुरू किया मींस स्टार्ट किया। या जब कभी भी मेरा भाई घर आता है सबसे पहले वो कुरान पढ़ना स्टार्ट करता है। तो यहां पर कोई काम करना स्टार्ट करता है स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। इस तरह बोलेंगे व्हेन आवर माय ब्रदर कम्स होम, जब कभी भी मेरा भाई घर आता है व्हेन आवर माय ब्रदर कम्स होम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुरान पढ़ना स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट्स रीडिंग द कुरान, ही स्टार्ट्स रीडिंग द कुरान। यहां पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है इसलिए यहां पर स्टार्ट के बाद ऐसा है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही स्टार्ट्स रीडिंग द कुरान, वो कुरान पढ़ना स्टार्ट करता है। या जब कभी भी टीचर हमारे क्लास में आते हैं वो हमें बेइज्जत, ठीक है, वो हमें बेइज्जत करना स्टार्ट करते हैं मींस कोई काम करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। इस तरह बोलेंगे व्हेन एवर द टीचर कम्स इन आवर क्लास, जब कभी भी टीचर हमारे क्लास में आते हैं वो हमें बेइज्जत करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेइज्जत करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि है पुट डाउन। हम इस तरह बोलेंगे ही स्टार्ट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है इसलिए यहां पर ही के बाद स्टार्ट्स आया। ही स्टार्ट्स पुटिंग अस डाउन, वो हमें बेइज्जत करना स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट्स पुटिंग अस डाउन, यहां पर स्टार्ट के बाद आया आईएनजी फॉर्म जो कि है पुट। ठीक है, यहां पर पुटिंग आया। ही स्टार्ट्स
पुटिंग अस डाउन, वो हमें बेइज्जत करना स्टार्ट करता है। या जैसे वो क्लास में एंटर हुई उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, ठीक है, कोई काम शुरू किया तो स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। और मजाक उड़ाने को या मजाक बनाने को हम इसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जो कि है मेक फन ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। हम इस तरह बोलेंगे द मोमेंट शी एंटर्ड इन द क्लास रूम, जैसे वो क्लास में एंटर हुई उन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू किया। इस तरह बोलेंगे दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, मेकिंग फन ऑफ हर, उन्होंने उसका मजाक बनाना स्टार्ट किया या उन्होंने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। तो होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो डोंट हेसिटेट टू राइट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।